द्वारका सेक्टर 14 ग्राउंड है, और आज हम लोगों के साथ है इंटरनेशनल टाइगर टीम, जो सॉरी नेशनल टाइगर टीम है और जो है प्राइम दिल्ली से, राइट, प्राइम दिल्ली की टीम है। तो भैया आपका नाम? हरीश। और भैया आपका नाम? मेरा नाम हनी। हनी, तो हरीश भाई, हनी भैया कितने टाइम से पतंगबाजी कर रहे हैं, कब से है ग्रुप अपना ये वाला? हाँ जी, नेशनल टाइगर जी, भाई चम्मा ने, तो भाई क्या नाम है, माया कौन का बांध हो गया, भाई रफीक ने टूर्नामेंट उठाया था ना। अच्छा, उसके बाद दिल्ली टूर्नामेंट हुआ था, वो हमने उठाया था। ओके, उससे पहले से ही भाई चम्मा के आपके रिश्ते थे। ओके, तो काफी पुरानी टीम होगी अगर देखा जाए तो। उससे पहले लड़ाया बड़ी हॉक में, लड़ाया हॉक में, लड़ाया था बड़ी में, फिर अंकुश लड़ाई, आपको पतंग उड़ाते हैं, काफी यंग लग रहे हैं आप तो, फिर भी एक आइडिया। अरे वाह, तो प्राइम दिल्ली छतों का गेम रहता है मोस्टली कि वैसे ही मैदानों का भी? और चलते भैया के पास, भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम पंकज है। तो भैया अभी प्राइम दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। तो मतलब अपना कब से शौक करते हुए टाइम हो गया? मेरे को हो गया भैया कोई 25 साल के आसपास। 25 साल? हाँ, क्या बात है। तो शुरू से एक ही टीम है कि कुछ टीमें चेंज हुई बीच में? पहले हम अलग लड़ा रहे थे, लेकिन बाद में जो है काफी टाइम से अब इसी टीम में लड़ा रहे हैं, हमारे कप्तान साहब है हरीश साहब। क्या बात है, तो हरीश भैया कप्तान है, मतलब कप्तान है इस टीम के, क्या बात है। तो भैया कैसा क्या आज का गेम, मजा आया, शौक रहा, हवा भी थोड़ी सा ऐसा नहीं है, बीच में दबी हवा लेकिन बीच में सही था, दूर के पेच बंद हो गए थे। और जो हमारे भैया, तो भैया मतलब 25 साल से आप कर रहे हैं भैया के साथ ही एकदम, तो अपनी दिल्ली में काफी पुरानी टीम है मैंने देखा, इवन ये भी काफी पुराना रजिस्टर क्लब हो गया आपका देखा जाए तो। तो आप मतलब दिल्ली वाला उठा चुके हैं इसी टीम के थ्रू, है इसी की मतलब इसी जो रजिस्टर हमारा नाम है, जो हमारा जो नेशनल टाइगर के नाम से आप। और ये भैया है, भैया ने आज बहुत बढ़िया पेच काटे सुनने में आया था, लेट हो गया था। तो भैया आपका नाम? कौशल। कौशल, एक सप्ताह हमारा, बिल्कुल आज सप्ताह हमारा भैया ने, क्या क्या बात है। आज वो आप आने के बाद पता चला मुझे कि भैया ने आज बहुत बढ़िया बढ़िया पेच काटे और बहुत बेहतरीन पेच काटे हैं। तो भैया कितना टाइम रहा आपको पेच मतलब उड़ाते हुए? भैया 10 साल के आसपास हो गए। 10 साल हो गए आपको? हमारे कैप्टन है, साथ में लड़ाते हैं। ओके, तो 10 साल से एक ही टीम में है, मतलब क्या बात है। और मतलब अपना दिल्ली वेली जाते हैं, बाहर भी जाते उड़ाने के लिए? बाहर भी जाते हैं, जोधपुर गए थे। दो दिन पहले कहाँ से? जोधपुर। अच्छा, जोधपुर गए थे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी नेशनल टाइगर टीम, एक प्लेयर सामने खड़े, उनका नाम क्या भैया जो सामने खड़े हैं? सोनू भैया। तो ये सब प्राइम दिल्ली से आए हैं, आज द्वारका सेक्टर 14 में गेम चल रहा था, काफ़ी अच्छा शौक रहा आज, बहुत मज़ा आया इनके साथ मिलके। और पतंगे दिखा रहे हैं भैया कुछ हमें, तो भैया हमें पतंगे दिखा रहे हैं, ये तो अपने दिल्ली वाले हैं। हाँ जी, दिल्ली वाले, इनके हाथ में मिलके आया था, बहुत बेहतरीन पतंग बनाते हैं और सारा काम अपने हाथ से करते हैं ये, नो डाउट पतंगे काफ़ी अच्छी है। ये तो साहिल का हिस्सा है। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या बात है। ये देखिए भैया पतंगों के डिज़ाइन दिखा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे पतंगों के डिज़ाइन हैं। और भैया जाते जाते बाहर, और काफ़ी पुराना क्लब है भैया का, और गेम भी आज बढ़िया बढ़िया पेज देखने के मिले, नीचे के पेज काफ़ी अच्छे बताए गए हैं कि आज अच्छे लड़े हैं यहाँ से। तो ये थी हमारी नेशनल टाइगर टीम और अच्छा गेम है, बाकी शाम का टाइम हो चुका है तो कंटिन्यू करेंगे, एक दो पेज दिखाएंगे आपको और फिर मिलवाते रहेंगे भैया से। थैंक यू भैया सबसे। तो दोस्तों ये पेज चल रहा है नेशनल टाइगर वर्सेस दिल्ली 29, नीचे से है नेशनल टाइगर और ऊपर से दिल्ली 29। तो पेज को थोड़ा सा फंसाया गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, खींचा रोका और पेज को फंसाया, तो अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं, डोर मतलब आप देख सकते हैं, फिर वापस से इसको पतंग को ऊपर नीचे किया गया और अभी देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट। जहाँ तक हाँ ये पेज फंसा हुआ है, नहीं ये निकाला वापस से, और शायद से यहीं पे ये गलती हो गई और नीचे वाले पतंग कट गई। जी हाँ दोस्तों, नीचे का पेज कट गया। तो दोस्तों पहला पेज काटा था, जो इससे पहले पेज दिखाया था वो दिल्ली 29 के पक्ष में गया था, जो थोड़ा फंसा के काटा गया था, जिसमें एंड में क्या गलती हुआ आप बताइएगा। अब दिल्ली 29 नीचे से आई है एंड नेशनल टाइगर ऊपर से आई है। तो पतंगे अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जो ऊपर की पतंग है वो हमारे नेशनल टाइगर की है, और जो नीचे की पतंग है हमारे दिल्ली 29 की पतंग है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, आपको पेज दिखाते हैं। अभी पट की आवाज़ आई थी तो पट किया गया है नीचे से, ताकि ऊपर वाले को जगह मिले, और अब यस हो चुका है। चलिए अब जूम करते हैं इसको, तो जूम करने के बाद दिखाते हैं आपको पेज। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाला नीचे उतारा तो नीचे वाले भी अपना अंदर की तरफ बचा के निकाला। पतंग अभी भी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को मतलब पकड़ने की, ये फिर से बचाया गया और पतंग गई पेड़ों के अंदर।
क्या बात है, बहुत बढ़िया पेज था ये, मतलब कोशिश की गई थी पूरा ऊपर वाली तरफ से कि नीचे वाले को पूरा करा जाए, दबोचा जाए, लेकिन हुआ नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। अब ऊपर वाले हमारे नेशनल टाइगर हैं और नीचे से दिल्ली 29 है, वापिस से मुद्दा बनाया, फिर रुके हैं, फिर चक्कर पर रखा, फिर घुमाया और ये चला एंड तक थपकियाँ। ये देखिए आपको थपकियाँ, दोनों थपकियाँ मार रहे हैं, लेकिन और एंड में नेशनल टाइगर ने ये पेच काट दी। नेशनल टाइगर ने ऊपर का पेच काट के अब नीचे से पेच लेने का फैसला किया है और दिल्ली 29 को बुलाया है ऊपर से। तो अब दिल्ली 29 ऊपर से पेच ले रही है और नेशनल टाइगर नीचे का पेच ले रहे हैं। तो पतंगे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, काफ़ी धूप की वजह से काफ़ी शेडो पड़ रहा था, रिफ्लेक्शन का काफ़ी इशू आ रहा था, तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कोशिश है कि पूरा पेज दिखाया जाए। तो नीचे से नेशनल टाइगर, ऊपर से यश, दिल्ली 29 से यस हो चुकी है पतंगों के साथ खेलते हुए, अपना मुड्डा अपना जगह बनाते हुए। देखते क्या करते हैं इसमें, दिल्ली नेशनल टाइगर क्या करती है और दिल्ली 29 क्या करते हैं। तो ये चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी सुपरवाइज की आवाज़ आती है जो मुझे म्यूट करनी पड़ी। वापस वो ऊपर चढ़े हैं यश अपनी पतंग को लेके, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, फिर मुड्डा बनाया, फिर वापस रोक के थोड़ा सा अंदर चले। अभी देखते हैं क्या कमाल करते हैं यहाँ पे, कौन काटता है पे, नेशनल टाइगर के दिल्ली 29। नेशनल टाइगर नीचे से, फिर से बता दूँ, और यश जो दिल्ली 29 है वो ऊपर से पेच कर रहे हैं। लेट्स सी क्या रहता है यहाँ पे। आया, उतारा उतारा, रोका और रोक के बाहर की तरफ थपकाया है, नीचे से भी थपकाई गई है, लेकिन जो पेच काटा है वो ऊपर से काटा गया थपका के यश की तरफ से, और पतंग गई है पेड़ों में। देखते पतंग वापस आते कि नहीं आती। जी हाँ, पतंग वापस आ गई और ये पेच काटा है दिल्ली 29 ने। रणनीति वही, ऊपर का पेच काटा दिल्ली 29 ने। अब सिद्धार्थ आए हैं दिल्ली 29 की तरफ से नीचे का पेच लेने। जब तक उनका पेच होगा तब तक आपको मिलवाते हैं दिल्ली 29 की टीम से। यहाँ पे हमारा दिल्ली का, दिल्ली 29 की टीम लड़ रही है। सारे प्लेयर्स खड़े हैं, कुछ अपनी पतंगे टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे डबी भाई खड़े हैं हमारे, डबी भाई के साथ खड़े हैं हमारे सिद्धार्थ भाई। यहाँ पे हमारे फिरोज भाई खड़े हैं, पीयूष भाई अपनी पतंग देख रहे हैं, सबके सब सब आज पूरी की पूरी टीम खड़ी है यहाँ पे। कैसे आनंद भाई आप? बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सुमित भाई, और सुमित भाई हमारे डॉक्टर साहब, और ये हमारे सुमित भाई अगेन, ये दिल्ली वाले सुमित भाई हैं, वो गुड़गांव वाले सुमित भाई थे। ये सब यहाँ पे आज बहुत तेज धूप है, आज देखा था मौसम बहुत बढ़िया, हवा भी अच्छी निकल के आई है। कैसे हैं भैया, बहुत दिनों के बाद कहाँ, जयपुर गए हुए थे? हाँ, 1 महीने से जयपुर था दिवाली पे। क्या बात है, क्या बात है, चलो फाइनली बैक हैं। डबी भैया कैसे हैं आप? बस आज जब तक हम वापिस आए दिल्ली 29 से मिलके, तब तक सिद्धार्थ ने दो पेज काट लिए थे। अब तीसरा पेज सिद्धार्थ का है, सिद्धार्थ नीचे से हैं दिल्ली 29 की तरफ से, देखते हैं पेज। तो पेज की शुरुआत हो चुकी है, नेशनल टाइगर नीचे से, सॉरी नेशनल टाइगर ऊपर से हैं, दिल्ली 29 नीचे से पेज ले रहे हैं, और सिद्धार्थ भाई जो दिल्ली 29 की तरफ से दो पेज काट चुके हैं अपने तीसरे पेज की तरफ। पहले दो पेज बहुत बढ़िया खींच के काटे, अब देखते हैं क्या करते हैं इस बार सिद्धार्थ भाई। तो पेच की यस होती हुई है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सलामी, आपको दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर भी। तो हेलीकॉप्टर की सलामी लेते हुए दोनों टीमों के मेंबर, और ये यस हो चुकी है। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करने का भी होता है कि थोड़ा सा कौन ही ज़्यादा करते सिद्धार्थ भाई, तो कई बार जूम से बाहर चला जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा पेच कैप्चर करने की। तो सही की आवाज़ हो चुकी है और अब देखते हैं क्या रहता है। ये देखिए थोड़ा सा जूम किया और अंदर की तरफ जा रहे हैं सिद्धार्थ भाई, मुड्ढा सीधा किया और ऊपर की तरफ चढ़ाना शुरू किया, खींचना शुरू कर दिया, और नेशनल टाइगर ने भी खींचा और एंड में थपकाया और ये पेच काटा थपका के। बहुत ही बढ़िया पेच काटा नेशनल टाइगर ने। नेशनल टाइगर ने ऊपर से पेच काट के अब नीचे का पेच लिया है, और ऊपर से आए हैं दिल्ली 29 के मोनू भाई। तो देखते पेच पे क्या होता है। यस हो चुकी है, दोनों अपना मुड्ढा बना रखा है, और अब देखते हैं ये मोनू भाई जो दिल्ली 29 के ऊपर से लड़ा रहे हैं, पतंग को लाए, खींचा, पूरा खींचा, और ये खींचते खींचते थपकाया हल्का सा और पेच काटा ऊपर से दिल्ली 29 ने। सेम रणनीति को फॉलो करते हैं, ऊपर का पेच काटा दिल्ली 29 ने, अब नीचे से पेच लिया है और नेशनल टाइगर को बुलाया है ऊपर से। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, जो पेच में नीचे की पतंग आएगी वो आएगी अब दिल्ली 29 की तरफ से, और ऊपर का पेच आएगा नेशनल टाइगर की तरफ से। तो पतंगों के साथ खेलते हुए अपनी जगह बनाते हुए अपना कंफर्टेबल जोन बनाते हुए और यस की आवाज़ करते हुए। तो यहाँ पे यस हो चुकी है, और ये मुड्ढा बनाया, दिखाया, रोका, नीचे पट किया,
सब कहते हैं ना कि हरकत दिख जाती है एक साथ में। फिर ऊपर ने ये रोका, खींचा खींचा, और ये क्या बहुत ही बढ़िया, मतलब एक तरीके से रुक का एक बार पेज को फिर से देखते स्लो मोशन में, कितना बढ़िया पेज काटा, ऊपर से आए अंदर की तरफ, नीचे उतारा, नीचे वाले ने खींचा बाहर के मुड्ढे पे और इन्हें अंदर की तरफ थपकाते हुए ले गए और पेज काटा और पतंग को वापस से उठाया ऊपर। नीचे से है टाइगर नेशनल और ऊपर से है दिल्ली 29। सही की आवाज़ हो चुकी है, अब देखते क्या होता है, कैसा रहता है ये पेज। और ये मुड्ढा बनाया, थोड़े से अंदर घुसे, कोनी बनाई, जगह बनाई और वापस से नीचे लेके आ रहे हैं ऊपर से। और ये बनाया मुड्ढा, रोका, चक्कर डाला, फिर नीचे लाए और इतने में नीचे वाले ने मौका देखते खींच दिया बाहर की तरफ और मौका नहीं दिया इस बार थपकाने का और पेच काटा बहुत बढ़िया नीचे से। नेशनल टाइगर कंटिन्यू कर रही है नीचे से और ऊपर से आए हैं दिल्ली 29 के यश, तो अभी पेच के लिए जगह बना रहे हैं। और यस अभी जगह बन चुकी है और यस की आवाज़ आई थी अभी यहाँ पे, तो यस हुआ पेच, डिमांड कर दी गई है यस की और यस दे भी दिया गया यश की तरफ से। अब देखते हैं क्या करते हैं। ऊपर से है यश, जो नीचे की पेच पतंग आ रही है वो हमारे नेशनल टाइगर की है, तो पतंग को लाए हैं, पतंग को बनाया है, मुंह बनाया है, दिखा रहे हैं, उठाया वापस और कोशिश है कि ये पेच काटा जाए ताकि नीचे का पेच लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे का पेच आया नहीं है। तो ये रखा चक्कर पे, थोड़ा सा दिया मौका, दिखाया पतंग को, नीचे से खींचा गया और इस बार थपका के बहुत ही बढ़िया पेच काटा है ऊपर से, तो ऊपर से, और पेच दिया है वापस से मोनू भाई को। नीचे का पेच लेते होते हैं मोनू भाई और यश अपनी पतंग को वापस से खड़े करके बैठे हैं। काफ़ी अच्छे पेच काट चुके हैं यश ऊपर से, अब देखते हैं क्या रहता है। नीचे से आए हैं मोनू भाई, इस बार नेशनल टाइगर ऊपर से हैं और दिल्ली के मोनू भाई नीचे का पेच ले रहे हैं, तो चलते हैं पेच की ओर, दिखाते हैं कैसा चलता है पेच। यस की आवाज़ अभी आई नहीं है, यस आए तो फिर देखें क्या करते हैं, फिर क्या रहता है, कौन कैसे काटता है। पट करने की डिमांड आई है ऊपर से पेच वालों के लिए, अभी देखें नीचे से, नीचे वाले हैं देख रहे होंगे। सही की आवाज, सही की आवाज दोनों तरफ से, पेच देखा जाए क्या करते हैं, खतरनाक धमाकेदार पेच होने वाला है ये, क्योंकि मोनू भाई आए हैं नीचे से हमारे। लेट्स सी क्या चलता है यहाँ पे, पतंगों के साथ खेलते हुए काटा ऊपर से। स्लो मोशन में देखिए नीचे से खींचा गया था प्रॉपर तरीके से बाहर का, बट ऊपर वाले भाई ने एंड टाइम पे दिखाया हल्का सा अंदर और जो थपकाया, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए ऊपर का पेच काटा नेशनल टाइगर ने, अब नीचे का पेच लिया है और दिल्ली 29 को बुलाया है ऊपर से, तो फोकस करते हैं पेच की ओर, चलते हैं पेच पे और यस हो चुका है पेच ऑलरेडी, तो आपको फोकस करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे यस हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि नेशनल टाइगर नीचे से हैं और दिल्ली 29 ऊपर से हैं, तो पेच देखिए यस होने के बाद पतंग के साथ पतंग, फिर अंदर का दिखाने का भी किया गया लेकिन रोका गया वहाँ पे नीचे से, और रोकने के साथ ही वापस से वार किया और बहुत ही बढ़िया पेच काटा गया नीचे से, बहुत ही बढ़िया नेशनल टाइगर ऊपर से आता हुआ। अभी इससे पहले पेच टाइगर ने काटा था, तो अब यश आया जिसने पहले भी ऊपर का पेच काटा था। लेट्स सी अब यश क्या करता है यहाँ पे। ओके ये पेच के लिए और यश के लिए अपनी जगह बनाते हुए, शायद से अब यश की बिल्कुल सही की आवाज़ मांग ली गई है। और नेशनल टाइगर ने एक और पेच काटा नीचे से, अब की बात नेशनल टाइगर है यहाँ पे नीचे से और दिल्ली 29 के डब्बी भाई है हमारे ऊपर से, जो मोस्टली लंबे के पेच लड़ाते हैं बट आज छोटा पेच लड़ा रहे हैं रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो पेच देखेगा यहाँ पे, ऊपर से आएंगे डब्बी भाई मतलब दिल्ली 29 आएंगे, नीचे से आएगा नेशनल टाइगर और अपनी जगह और अपना टाइम पूरा मतलब स्पेस लेते हुए देखिए पेच का मुड्ढा नीचे लाए
दिखाया उनको, नीचे वाले भी बचा, नीचे लेके गए। अब नीचे वाले ने खींचा और डब्बी भाई ने साथ साथ ऊपर खींच के और अंदर के ऊपर थपका के ये पेच काटा। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, दिल्ली उनतीस ने पेच काट के ऊपर से ऊपर का पेच ही लिया है और नीचे से बुलाया है नेशनल टाइगर को। तो ये सो चुका है, जगह बन चुकी है। देखिए मुड्डे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे कोशिश पूरी है। अब देखते क्या होता है कि क्या करते इस बार नेशनल टाइगर वाले। और पतंग को नीचे लाया गया, नेशनल टाइगर ने भाग की तरफ खींचा, कोशिश की गई थपकाने की, बट कहते हैं कि शायद से टीम का थोड़ा सा। डबी भैया कैसा गया आज का गेम? बहुत बढ़िया पेच काटे देखे हमने, आज पहली बार आपको देखा थपकाते हुए मैंने। नहीं नहीं, मैंने देखा आज आपको थपकाते हुए। मोनू भाई कैसा क्या दिन का आज का? बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आया शौक करने में, मजा आ रहा है। सिद्धार्थ भाई दो बढ़िया पेच काटे पर कैप्चर नहीं हुए हमारे पास। मैंने जब तक कैमरा खोला पेच कट गया, मैंने कहा क्या करूं। और ये हमारे सुमित भाई, और सुमित भाई गुड़गांव वाले और दिल्ली वाले, और साथ में हमारे पीयूष भाई। पतंग पार करते टाइम हो चुका है शाम का, और क्या ही बोले इस टाइम पे। शाम नहीं वैसा ही बात है शाम का, लेकिन पेच शौक अच्छा हो गया, काफ़ी पतंग पार की भी लड़ी है। यश फिर पतंग छोड़ता हुआ, और मैं भी जा रहा हूँ पतंग छोड़ने अब।